अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई और इसको कई लोगों को इसे पसंद है और कई लोगों को इसे पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी कड़वाहट के वजह से इसे पसंद नहीं करते। मैं आज करेला चिप्स लेकर आई हूँ। करेला खाने में तबीयत के लिए बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद है, कुछ लोग को पसंद नहीं है इसके कड़वाहट की वजह से। मैं आज आपको इससे आसान तरीके से इसे बताऊंगी, इसका कड़वाहट सब खत्म हो जाएगा। इसे खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे और झटपट बन के भी तैयार हो जाती है। और इसे गर्मी के सीजन में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसका कड़वाहट दूर करके इसे आसान तरीके से बनाएंगे। मैं अपने वीडियो को अपने शूट करती हूँ, इसलिए मैं सेल्फी कैमरा यूज करती हूँ। इसलिए मुझे राइट हैंड में मैं सारा काम कर रही हूँ, लेकिन दिखता है जो लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ। आप कुछ लोगों को लगता होगा कि ये लेफ्ट हैंड है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं राइट हैंड से ही कर रही हूँ। आपको सेल्फी कैमरा में इस तरह से दिख रहा है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से धो के इसे साफ़ करके 300 ग्राम करेला ली हूँ और कुछ मसाले ली हूँ। इस तरह से है, ये है आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ, ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार लेना। नमक थोड़ा पहले भी ऐड होएगा तो इसलिए आप अपने हिसाब से लेना। और एक नींबू का जूस ली हूँ, ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और ये 2 चम्मच बेसन है। और नमक मैं डाल लूँगी करेला का कड़वाहट दूर करने के लिए। बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। ये करेला का ऊपर पार्ट को निकाल लेंगे इस तरह से और इसमें काट लेंगे, इस स्लाइसेस में काटेंगे, पतले पतले स्लाइसेस में इसे काट लेंगे। इसका जो बीज होता है, ये हार्ड वाला बीज को इसे हटा लेंगे, इसमें नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे करेले का मैं काट के स्लाइस आपको दिखाती हूँ। इसे सारे करेले का स्लाइस करके मैं रख चुकी हूँ। इसका जो हार्ड वाला बीज होता है, इस तरह से अलग से निकाल के फेंक लेंगे। ये जो हार्ड वाला बीज होता है, इसका स्वाद अच्छा नहीं आता इसमें। अब इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा डालना इसका कड़वाहट जाने के लिए। इस तरह से सारे नमक को डाल लूँगी। इसमें 2 चम्मच नमक मैं ऐड की हूँ। एक नींबू का जूस है, इसमें मैं डाल लूँगी और इसे हाथों की सहायता से इसे मिला लेंगे या चम्मच में किसी भी और मिलाकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसे धो के छान लेंगे। इस तरह से मैं मिला चुकी हूँ। अब इसे मैं इसे ढक कर 10 मिनट के बाद इसे धो के छान के आपको दिखाती हूँ। इसे मैं 10 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से धो के मैं इसे छान के ली हूँ। इस तरह से थाली में या कोई फैला हुआ बर्तन में लेना, क्योंकि इसे कोई वो इस तरह से जो पतीला होता है, पतीले पे लेने पर इसका जो मॉइस्चर है इसे निकल आएगा, तो ये अच्छा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च और ये मसाले सब मैं डाल लूँगी इसमें। और ये जो है बेसन, 2 चम्मच बेसन है और कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच है, इसे भी ऐड कर लूँगी। इस तरह से इसे इस तरह फैला हुआ कोई बर्तन में लेना, तो ये हर जगह मसाले लग जाएंगे अच्छी तरह से लग जाएंगे। और ये हरी मिर्च इसलिए ली हूँ क्योंकि इसमें कड़वाहट के वजह से थोड़ा तीखा बहुत पसंद आएगा। जो इसको पसंद है उस तरह से वो चुबा कर भी खा सकते हैं। इस तरह से इसे मसाले लगा लेंगे, इसे रेस्ट नहीं देंगे, मॉइस्चर इसका निकलना नहीं चाहिए। बस इसे गर्म तेल पर इसे डालते जाना है। मसाले अच्छी तरह से इसे करेले के ऊपर लग चुका है,
अब मैं तेल चढ़ा चुकी हूँ फ्राई पैन में। ये 2 चम्मच हमारा कॉर्नफ्लोर बच चुका है, इसे साइड में रख लेंगे। इस तरह से हमारा मसालेदार करेला होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से इसे कोट हो चुका है। अब इसे फ्राई करते हैं। एक फ्राई पैन में मैं तेल गरम करने रख चुकी हूँ। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। बहुत क्रिस्पी जो बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसे एक साथ नहीं डालेंगे, बस एक एक करके डालते जाएंगे। इस तरह से तेल हमारा अच्छा गरम है, बस इस तरह से डालते जाएंगे। देखिए इसी तरह से आप भी बनाना घर पर, बहुत शौक से सब खाएंगे, किसको कड़वाहट भी महसूस नहीं होगा। इस तरह से सब डालकर एक प्लेट में जितना आ सकता है मैं उतना ही डाली हूँ। ये थोड़ा एक साइड का थोड़ा क्रिस्पी होने पर इसे पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड गोल्डन होने पर ये अपने आप तैर रही है। अब इसी पर इसको पलट लेते हैं। पलट कर इसे भी थोड़ा फ्राई होने देते हैं। इस तरह से खाएंगे, इसका जो कड़वाहट चला जाएगा तो इसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसे स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं करेला, वो मांग मांग कर खाएंगे। देखिए इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो रही है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इस तरह से इस तरफ भी गोल्डन होने देते हैं। मैं यहाँ पर एक प्लेट पर एक पेपर टॉवल ली हूँ। आप चाहे तो पेपर या टिश्यू से इसका तेल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखिए इस तरफ भी दोनों साइड में गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है ये जो क्रिस्पी करेला है। ये 2 से 3 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। देखिए ये हो चुका है। तेल को हमारा थोड़ा गर्म कर लेंगे, उसके बाद सेकंड बैच भी डाल लेंगे। सारे करेले को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी केयरफुली इसे निकालना, इसका तेल थोड़ा छोड़ने पर इसे निकाल लेंगे। तो देखिए इसका आवाज़ से पता चल गया होगा कितनी क्रिस्पी बनी है। यह और भी ठंडी होने पर और भी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। मैं सेकंड बैच भी डाल लेती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इस तरह से डाल लूँगी। सारे करेले को इस तरह से डालकर तैयार कर लूँगी। सारे करेले का चिप्स बना चुकी हूँ। ये हरी मिर्च जो है इसमें थोड़ा जीरा लगा लेंगे, वरना ये धमाका करने लगेगी। बस इस तरह से थोड़ा जीरा लगाकर इसमें डाल देंगे। केयरफुली डालना, इसमें जिसे पसंद नहीं है इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से जीरा लगाकर डालेंगे और इसे इस तरह से तलते हुए इसे निकाल लेंगे और 1 से 2 सेकंड इसे पकने देते हैं। बस हो चुका, अब निकाल लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। सारे क्रिस्पी करेले तैयार हैं, इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये देखिए ये अभी भी गर्म है, इसे गरम गरम ही परोसना और इसे कुछ पता नहीं चलेगा ये करेला है। बिल्कुल भी इसका कड़वाहट दूर हो चुका है। बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे बताती हूँ खाकर इसे किस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब मैं दिखाती हूँ, जिसे करेला पसंद नहीं है वो बार बार मांग कर खाएंगे।
मैं अभी इसे दिखाती हूँ किस तरह से बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, कुछ पता नहीं चलता कि यह करेला है, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। इसमें नींबू और नमक से धो लेना, बिल्कुल भी इसका कड़वाहट हट जाएगा। इसी तरह से बनाकर गरम गरम परोसिए, बहुत आसान से जल्दी से बनकर तैयार होगी। मैं यहाँ पर 300 ग्राम कम क्वांटिटी में बनाई हूँ, आप चाहें तो इसे ज़्यादा बना सकते हैं, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से बनाकर परोस सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड और दोस्तों फ्रेंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलती हूँ।